मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से और आज बात करूंगा मैं जीडीपी के ऊपर। आप सबको पता है कि इस क्वार्टर में जो जीडीपी है वो 5% पे आके रुका है। ये जो 5% जो अभी का क्वार्टर में जो जीडीपी है, इसके पहले जो सबसे लोएस्ट था वो 6 साल पहले था, तो मतलब 6 साल के बाद इतना कम जीडीपी है। और जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 8% का। ये जो 8% है 17 साल का सबसे कम आंकड़ा है। बहुत सारे लोग जो जानकार है ये कह रहे हैं कि ये भी जो आंकड़ा आपके सामने रखा गया है 5% का और 8% का, ये अगर सही से दर्शाया जाए तो हो सकता है 2.8 और 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब ये जानकारों की बात है, इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में उनका कहना है कि ये 3% से ज़्यादा नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ है वो दर्शाया गया है 0.6% और इसके पहले का जो क्वार्टर था उसमें दिखाया गया था 12.1%। एग्रीकल्चर ग्रोथ वो दिखाया गया है 2% और इसके पहले जो दिखाया गया था वो है 5.1%। अगस्त महीने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो सेल ड्रॉप हुआ है उसका आंकड़ा जो इस प्रकार है, मारुति सुजुकी 33% डाउन, हुंडई 9.54% डाउन, होंडा 51% डाउन, टोयोटा 21%, वोल्वो 41.7%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 25%। ये आंकड़े सब दर्शा रहे हैं कि अगस्त के महीने में कितना सेल डाउन हुआ है। आरबीआई का रिपोर्ट है कि 2018 और 19 में जो 500 रुपए का फेक नोट है उसमें जो परसेंटेज बढ़ा है वो है 121%। और दूसरा एक और चीज़ समझने की बात है, जो बैंक के अंदर घोटाले हो रहे हैं उसकी जो परसेंटेज बढ़ा है वो भी बढ़ा है 73.8%। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो सिस्टम है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अब एक बात और सुनिए, इन गवर्नमेंट ने कहा कि बड़े मर्जर किए बैंकों के, तो ये मर्जर का नुकसान क्या होगा ये देखिए। तकरीबन 27 बैंक को मर्ज किया गया और उसको सीमित कर दिया जाए 12 बैंक में। तो ऐसा हुआ कि जो बैंक प्रॉफिट में चल रही थी, मजबूत बैंक थी, उसको ऐड किया गया कमज़ोर बैंक के साथ। अब ये जो मजबूत बैंक है कमज़ोर बैंक का तो भार ले नहीं पाई और इसका नतीजा यही होगा कि वो बैंक भी डूबेगी या फिर किसी तरह लड़खड़ा के चलती नज़र आएगी। इसमें नुकसान क्या होगा? डेफिनेटली ATM कम किए जाएंगे, जब मर्जर होगा मैन पावर भी कम होगा, तो एंड ऑफ द डे ये नौकरी के ऊपर इसका असर पड़ेगा। मीडिया में भी नौकरी का बुरा हाल है, छोटे बड़े कुछ चैनल बंद हो गए हैं और तकरीबन 1000 नौकरी कम हुई है। ये जो नौकरियां कम हुई वो सारे रिपोर्टर थे जो ऑन ग्राउंड काम करते थे, उनकी नौकरी कम हो गई। आज जो लोग काम कर रहे हैं मीडिया हाउसेस में उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है और उनको जॉब से निकालने की भी बात की जा रही है, उनका ट्रांसफ़र इधर से उधर किया जा रहा है कि लोग मजबूरी में नौकरी छोड़ दें। ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया? जिसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है नोटबंदी। जब से नोटबंदी हुआ तब से जो इकोनॉमी का ग्रोथ था वो गिरना शुरू हो गया। नोटबंदी का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ वो कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट पे हुआ, वहाँ पे जो फॉल हुआ वो तकरीबन 60% नीचे गया। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है GST। GST एक अच्छी चीज़ है अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन जो टैक्स का स्ट्रक्चर था उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और इसको जो छोटे तबके के व्यापारी थे उनको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगा, उसको वो समझ नहीं पाए, जिससे उस टैक्स के भार से भी धंधे में बहुत ही मंदी आई। तीसरा जो पॉइंट है वो है बजट 2019 का। ये जब पेश हुआ तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे उनको ये पसंद नहीं आया, स्टॉक मार्केट वालों को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई, उसके वजह से स्टॉक मार्केट गिरा और जो इन्वेस्टर बाहर से पैसा लगाए थे बहुत सारे लोगों ने पैसा वापस भी लिया। बेरोजगारी की बात देखेंगे तो 45 साल के बाद इतना बुरा हाल है कि नौकरी की कमी है मार्केट में।
या तो लोगों के पास नौकरी नहीं है, या जिनके पास नौकरी है कंपनी में सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। अगर आप काम करते हैं तो आपको खुद पता होगा कि लास्ट एक साल से या डेढ़ साल से आपके सैलरी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। सबसे अहम और लास्ट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने जितने लोग गवर्नमेंट में चापलूसी कर रहे हैं और गवर्नमेंट के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको अच्छे अच्छे पोस्ट पे रखा गया, जिस पोस्ट का उनको नॉलेज नहीं है, बस नाम के वास्ते वहाँ बैठे हैं, जिसकी वजह से ये पूरे इकोनॉमी इधर से उधर हो रही है। अब आप देख लिए ओएनजी में कौन है, संपित पात्रा। अब पात्रा को ओएनजी के बारे में क्या नॉलेज है? तो जब इस टाइप के सिलेक्शन होंगे तो डेफिनेटली हमारी अर्थव्यवस्था खराब होगी और इकोनॉमी गिरेगा। और कुछ चीज़ें देख लीजिए, जब ऐसे लोग हमारे देश में और ऐसे लोग जब नेता रहेंगे तो हमारा हाल ऐसे ही होने वाला है। जो हमारे सुशील मोदी साहब हैं, उन्होंने क्या कहा, हर साल सावन भादों में मंदी रहती है, तो सावन भादों जाने दीजिए, शायद GDP ऊपर आ जाएगा। उसके बाद से हमारे गिरिराज सर ने क्या कहा कि गायों की फैक्ट्री लगाएंगे। अजीब देश है, अजीब देश के नेता हो गए हैं, समझ में नहीं आता है। जब ऐसे नेता हों हमारे देश में और ऐसी कथन बोली जाए, तो आप बताइए कि बाहर किसे कौन आएगा इस देश में पैसा लगाने के लिए, कौन इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि ऐसी सोच रखने वाले लोग और ऐसे कम एजुकेटेड लोग जब देश की गद्दी पर बैठेंगे तो क्या ग्रोथ होगा? वहाँ फैक्ट्री ही लगेगी गायों की। अगर आप बात करेंगे तो आप दो जगह का एग्जांपल देखिए, एक तो है हैदराबाद और दूसरा है दिल्ली। तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल को काम करने का जो तरीका है, वहाँ सक्सेस क्यों हो रहा है? रीज़न सिर्फ यही है कि उनके मिनिस्ट्री में जो लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो एजुकेशन का जो सेक्टर है, पढ़ाई का सेक्टर है, वहाँ ग्रोथ हो रहा है, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं। दूसरे, अगर पानी के बारे में देखेंगे तो पानी में लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। बिजली के बारे में अगर आप देखेंगे तो बिजली में डिस्काउंट मिल रहा है। औरत और ओल्ड एज के लोग हैं, उनके ट्रैवल में डिस्काउंट मिल रहा है। और जहाँ पे मेडिसिन की बात करते हैं, वहाँ पे जो क्लिनिक खुले हैं उसकी सुविधा दी जा रही है। तो जब मिनिस्ट्री में ऐसे लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा। ये जो वक्त चल रहा है ये काफ़ी क्रूशियल है। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब आपको पता चलता है कि हमारे नेता इसके काबिल नहीं हैं कि देश को अच्छे डायरेक्शन में ले चलें। तो आप भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी सोच समझ के कीजिए, और बेकार के बहस और लड़ाई और झगड़े में अपना वक्त ना बर्बाद करें, न तो आप आने वाला जो टाइम है वो सही दिखाई नहीं दे रहा है।